बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फूका पुतला। रामपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र मिस्टरगंज चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अन्य पार्टी को तिगड़म की सरकार बताते हुए पुतला फूका। भाजपा नेता फरहत अली खान ने बताया किया गया और क्या मकसद है। देखें, जब से भारत में मोदी सरकार आई, भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त सरकार, दंगा मुक्त सरकार आई, तो जिन लोगों के हाथों से सत्ता गई उन लोगों ने तरह तरह की साजिशें रचना शुरू की। जब वो अकेले कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने मोदी जी के लिए साजिश की और तिगड़मबाज नेताओं को, जिसमें मायावती, अखिलेश, ओवैसी और जो ममता बनर्जी शामिल हैं, उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ऐसे इकट्ठा किया कि चोर और चोर हम सब महाचोर मोसेरे भाई हैं और मोदी जी के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। हम देश की जनता से अपील करते हैं कि अगर कोई देश में प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश को मजबूत सरकार देना चाहते हैं तो भ्रमित ना होकर के सिर्फ मोदी जी को वोट करें और सरकार बनाएं। आज मकसद क्या है? आज तिगड़मबाज नेताओं का हमने पुतला फूंक दिया, इस देश में बता दिया कि जनता आपके समर्थन में कोई नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो राहुल गांधी की मुश्किलें और बेचैनी बढ़ गई हैं, जिसके चलते सभी सरकारों को गिराने की तिगड़मबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से भाजपा सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा सरकार देश मुक्त अपराध मुक्त सरकार है, जो कि किसी भी तिगड़मबाजी से या जुमलेबाजी से भाजपा सरकार के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके चलते भाजपा के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने गंज चौराहे पर राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, AIMIM के आशीष उद्दीन ओवैसी का पुतला फूका। इस मौके पर भाजपा के दर्जन भर कार्यकर्ता मौजूद रहे।